मेरे ऊपर ना ऊपर वाले की दया दृष्टि है। अच्छा। भोले बाबा की। मैं जब घर से आया था मेरे पे 1.5-2 लाख का कर्जा था। सही बात तो ये है, मैं फल फ्रूट की दुकान करता था तो आए दिन घाटा जाता। अब मैं सोच रहा कि मेरी अपना खुद का पेट नहीं भर सकता हूँ, बच्चों का क्या भरूँगा या अपने परिवार का क्या भरूँगा। तो इस चक्कर में ना मैं दिल्ली आया। दिल्ली मैंने काम करके देखा, किसी में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। फिर मैंने एक छोटी सी रेहड़ी ली 600-700 रुपये की, एक काउंटर बनवाया 500 रुपये का। फिर मैंने अपनी उसी से भेलपुरी बनाना स्टार्ट करी। ये मुरमुरे है, ठीक है, ये प्याज है, ये टमाटर हैं, ये आलू है और ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची काट लेते हैं हम। ये गुजराती है और ये गांठिया है। अच्छा। ये और ये चटनी खट्टी वाली है। खट्टी वाली चटनी हो जाती है और ये खट्टी मीठी होती है। ये मिला लिया। चार भेलपुरी वाला मसाला है। मसाला और ये काला नमक। मसाले कौन से होते हैं? ये काली मिर्च वगैरह पिसी हुई होती है, सारा मिक्स आता है इसका। मिक्स करके आपने कुछ से बनाया हुआ। और ये आमचूर है। आमचूर, अरे वाह, खट्टे का स्वाद तो आना चाहिए। और ये नींबू है। नींबू अलग से। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। और तो यही प्रोसेस जो आपका, आप ये आलू मतलब पैटी में डालते हो? यही। और बर्गर में? बर्गर में डालते हैं, यही टकाटक में डालते हैं। अच्छा, टकाटक भी आप यूज़ करते हो उसमें? हाँ, भेलपुरी टकाटक होती है वो, क्योंकि टकाटक भी बहुत लोगों का फेवरेट होता है। बस बस बस, सबको अच्छा लगता है। तो मतलब अलग किसी से, किसी को अलग से आपसे भेल चाहिए तो वो भी देते हो? ये तैयार है। अच्छा, ये तैयार होगी ना। ये कितने की देते हो आप ये प्लेट? ये छोटा प्लेट है 20 रुपये का। हाँ जी। उससे बड़ा 30 रुपये का और उससे बड़ा 50 रुपये का। 50 रुपये का होता है। अच्छा, तो ये वाला 50, ये वाला 50 वाला आप दिखाओगे एक बार? 50 वाला ये कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर आपका 50 वाला है। और ये 20 वाला? ये 20 वाला, ठीक है। इसके ऊपर हमने थोड़ी गुजराती और डाल दी और ये भेलपूरी हो गई। अच्छा जी, ये भेलपूरी, ये इसका तो मज़ा ही लगा है। ये भेलपूरी है, असली भेलपूरी इससे ही कहते हैं। अरे वाह। अब थोड़ा सा और जायका डालते हैं हम इसमें। अरे वाह, ये जायका तो भाई साहब, ये सुंदर दिखने के लिए है। थोड़ा सा मेकअप है। हाँ जी, ये सुंदर और स्वादिष्ट के लिए होता है। बहुत ही बेहतरीन, कि देखने में सुंदर लगे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो भेलपुरी भी मैं जानता नहीं था बनाना, ये ही कि मैं जैसे कि देख लिए तेल वेल डाल के बनाते हैं, उसी तरीक़ा से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे उसमें कुछ रुचि नज़र नहीं आई तो मैं बाज़ारों में जाना चालू हो गया, सोमवार मंगलवार ये बुधवार। तो एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ पे हम नाश्ता करने जाते थे ना, तो वो बोलते थे, हम उनसे पूछते थे चटनी कैसे बनती है, ये वाली वो वाली, हमें कुछ जानकारी नहीं। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, ऐसे ही बोल दिया कि नमक डालो, ये डालो, गुड़ डालो, ये डालो, वो डालो। तो हमने घर पर ही स्टार्ट कर दिया बनाना। ऊपर वाले की दया दृष्टि ऐसी रही कि वो अच्छी बनती गई। हमने बाज़ार में चालू करी, बाज़ार में लोगों ने पसंद किया, फिर अपने मयूर यार फेस्ट्री में हम आसपास के बाज़ार में लगाते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने खाना स्टार्ट करा, बोलते हैं बहुत बढ़िया बनाते हो, बहुत बढ़िया बनाते हो। फिर हमें ठिया मिल गया, ठिया लगाते लगाते आज हमें करीब 12-14 साल हो गए लगाते लगाते। फिर हम भेलपुरी लगाते हुए, भेलपुरी के चक्कर में शादी वादी हुई तो फिर हमने कि कुछ और बढ़ाना चाहिए, तो फिर हमने पेटीज भी लगाना स्टार्ट करी। 1-2 महीने में, मतलब 2-4 दिन तो हमारी 1-2 दर्जन निकली। फिर धीरे 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 आज 20, 22, 24, 25 तक निकल जाती हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो 17, 18, 15 निकल जाती हैं। तो बाबा की कृपा है, थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले की दया दृष्टि है। और ऊपर से फिर हमने बर्गर भी लगाना स्टार्ट कर दिए, टकाटक भी लगाना स्टार्ट कर दिए, गोलगप्पे भी लगाना स्टार्ट कर दिए। मतलब सारा काम भेलपुरी से एकदम मस्त। टिक्की अगर रोल नहीं है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, केवल शुद्ध शाकाहारी, टमाटर प्याज आलू शुद्ध, बिल्कुल कुछ तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई वो नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब कर्जा वर्जा हो गया? अरे सब, अब तो ऊपर वाले की दया दृष्टि है, बच्चे भी सही हैं,
और सब बहन भाइयों की शादी करवा दी, अब तो सही है। ऊपर वाले की रोटी दाल मिलती रही, वो भी बहुत है। ये सेव होती ना? हाँ, ये इसकी मेन होती है, ये हो तैयार। ये भेलपुरी गोलगप्पे बना रहा हूँ मैं अब। अच्छा, तो कोई पानी यूज होता है किसी? कुछ नहीं, भेल कुछ नहीं। ये खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ना तो इसमें दही का रोल है जी, ना किसी और का, इसमें केवल भेलपुरी का और पनीर का है। पनीर का, अरे वाह, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और खाने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन किया। तो ये हमारे लिए रेडी हो गया है। ये देखो, ये इमली की चटनी पड़ रही है इसमें, ये प्याज है, ये खट्टी आमचूर की, फिर डबल मीठा। हेलो, अब जो डलेगा इसमें, अब डलेगा पनीर, मतलब शक्ल ही बदल दी भैया आपने। ये हमारी, ये पैटीज भी रेडी होगी हमारी, और ये बर्गर अब रेडी हो रहा है। हाँ जी, तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। देखो ये पैटीज है, तो भैया ने ये भी भेल में बनाई है, तो देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, तो खाने में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कैसी बनी होंगे। सो बर्गर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बर्गर में भी इन्होंने पूरा भेल का इस्तेमाल किया है, जिसमें प्याज टमाटर खीरा सब है। गोलगप्पे में इन्होंने भेल का पूरा यूज़ किया है, आपने देखा ही होगा कि चटनी प्याज हर तरह की इन्होंने इसमें यूज़ किया है, टमाटो वैटो सब। और लास्ट में आपकी आती है भेलपूड़ी, इन्होंने अलग से जो पूरी प्रॉपर बना के दी है। लो जी, करते हैं स्टार्ट भेलपूड़ी जो गोलगप्पे में भैया ने बनाई थी। मतलब देखने में इतनी प्यारी लग रही है, तो खाने में कितनी अच्छी होगी। इसके अंदर जो चटनी, जो लाल वाली का जो फ्लेवर है ना, बहुत गजब है। और मैंने जो दूसरी चटनी डाली थी साथ में खट्टी वाली, बहुत अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है। जो सॉस का जो फ्लेवर आ रहा है ना विद भेल के साथ, और इतनी लाइट बनाई है भैया ने, और मतलब खाने में ना बहुत मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हो ये जो रेड रेड आ रहा है ना नज़र, तो ये आपको पता क्या है, ये सब्सक्राइब का बटन है। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे भी जो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, तो आपको उसको प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मैं इसको भी खा रहा हूँ, तो आप इतने में सब्सक्राइब करो चैनल को, और यहाँ पे आप आना ज़रूर, ठीक है ना। भेल भी ट्राई कर लेते हैं। इसको ना खाने का मज़ा हाथ के साथ ही आता है। इसमें भी देखो लाल लाल नज़र आ रहा है, तो आप समझ ही जाओ, अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक और कर लेते हैं। बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, मज़ा आ गया मेरे को। बर्गर भी ट्राई करते हैं, बर्गर यहाँ का, आओ बर्गर, पूरी बर्गर। हाँ यार, मतलब इसमें कोई टिक्की का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो अल्टीमेट, अलग चीज़ है। खाते खाते ना चीज़ी में फ्लेवर आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि भैया चीज़ ही बहुत डाला भैया ने। ऐसी चीज़ें ना बहुत कम मिलती है यार, बहुत कम। मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली NCR में ऐसी पैटी और ऐसा बर्गर और ऐसी भेलपूड़ी तुमने खाई भी नहीं। क्यों? क्योंकि यार न्यू इन्वेंशन है, ये कहते हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपनी सोच आगे बढ़ाओ। ये भैया ने अपनी सोच ला के रखी है, इस सोच को आपने मिलके बढ़ाना है, और भैया को जितना भी हो सके इसको शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि कमेंट करोगे हमें पता लगेगा कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। आपका एक कमेंट ना हमारे लिए, एक मिनट के लिए हमारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट ले आता है, बिल्कुल। और हम यहाँ पे, हमें वीडियो बनाने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी, और हमें भी अच्छा लगेगा। क्यों,
जो कमी है, जो गलती है वो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता लगेगा। आप जब तक नहीं बताओगे हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि व्यूअर से ही हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं और बनाएं और आपके लिए आपको दिखाएं। तो अब चलते हैं पैटी की ओर। आओ भाई पैटी उठाओ, मैं इसको जितनी बार देखूँ ना तुम उतनी बार मुँह में पानी आ रहा है। अब टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया। ये भैया सबसे अच्छी मुझे आपकी पैटी पसंद आई। मैंने सबसे नंबर वन पे आपकी पैटी है। मेरे को पैदा हुए 25-26 साल हुए, कम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी पैटी नहीं खाई। तूने खाई है भाई कभी नितिन? लिटरली बहुत ही यूनिक पैटी है, अलग फ्लेवर है। चिकन पैटी खाई है, नॉर्मल पैटी खाई है, सब तरह की खाई है, बट ये वेज में दिस इज न्यू इन्वेंशन। Thank you.